फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने BLIS 02 को देखेंगे। और BLIS 02 में क्या देख रहे हैं, Unit 1 Lesson 2। और कहीं ना कहीं हम आज क्या करेंगे, पुस्तकालय के भवन की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो कहीं आपको वीडियो नहीं मिली होगी, कल मेरा एग्ज़ाम था, तो कहीं ना कहीं UGC NET का, और आप में से जितने भी कहीं ना कहीं भाई, आपके भाई बहन जो हैं UGC NET के, जिनका लाइब्रेरी साइंस का पेपर था, उनका कहीं ना कहीं 3 तारीख को पेपर था। और अगर आपके जो बड़े भाई हैं, बहनें हैं, अगर किसी को आपका उनका पेपर मिल पाए तो पुराने वाला जो 18 तारीख को हुआ था वो, और कहीं ना कहीं जो ये वाला पेपर है वो परीक्षा सहपाठी चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर PDF भिजवा दे, ठीक है, अगर किसी के पास हो तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। और आपके असाइनमेंट, यानी कि आपका असाइनमेंट ज़्यादातर पूरे के पूरे एक तरह से कंप्लीट हो गए, बस CC और DDC के नंबर रह गए हैं, यानी कि DDC के नंबर रह गए, CC के नंबर वो कम, यानी 50% कवर हो चुके हैं, और जो कैटलॉग कार्ड है वो भी 50% कवर हो चुके हैं। तो उसके बाद आपको असाइनमेंट का करवा दिया जाएगा और असाइनमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने, यानी कि आज का टॉपिक क्या है। सबसे आपको पता चलेगा कि पुस्तकालय के बारे में, यानी कि पुस्तकालय के बारे में पता, सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। तो आज का जो चैप्टर, यानी कि हम जो चैप्टर 2 देख रहे हैं, Unit 1 Lesson 2 देख रहे हैं। और Lesson 2 में आज क्या देखना है हमें, Lesson 2 में हमें देखना है पुस्तकालय भवन की संरचना। क्या देखना है, पुस्तकालय भवन की संरचना। अब आप क्या करोगे, यानी कि अब अपना घर बना रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, अपने घर बना रहे हो, अपना ऑफिस बना रहे हो, अपना क्या है, एक तरह से संस्थान बना रहे हो, जहाँ पर क्या है, आप क्या है उसे कार्यशील भवन, यानी कि उसके कार्यशील का भवन भी होना चाहिए, ठीक है, कार्यशील भवन, यानी कि भवन की संरचना तैयार करते समय आपको क्या करना चाहिए, निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आती है कार्यशील भवन, यानी कि रूपरेखा तैयार करते समय आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि पुस्तकालय में विभिन्न कार्य सेवा उसकी क्या, किस तरह से होनी चाहिए। मान लीजिए आपका ये क्या है, ये आपकी जगह है। अब आप ये करोगे, यानी कि आपने घर बनाना है, तो आप क्या करते हो भाई, दो, यानी कि इस तरह यहाँ पर कमरे होंगे, यहाँ पर कमरा होगा, और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरह से टॉयलेट बना लेंगे हम, और यहाँ पर इस तरह से ये कर देंगे, मेन एंट्रेंस बना देंगे, यहाँ पर हमारी जगह अपनी पार्किंग की रख देंगे, यहाँ सीढ़ी कर देंगे। इस तरह से आप क्या करते हो, घर की प्लानिंग करते हो भाई। अगर क्या मान के चले, चलो एक घर का नक्शा ही लेके चलते हैं, जैसे ये है आपका एक घर का नक्शा है, अभी लेटेस्ट मैंने एक देखा, तो यहाँ पर इसने क्या करे, ये दो मकान बना लिए, यहाँ पर क्या हो गया, बीच का, यानी कि ये 15 15 और 15, ठीक है, ये था अभी, तो ये इसका क्या हो गया, यहाँ पर इन्होंने बैठक बना दी जी, यहाँ पर क्या इनकी गाड़ी खड़ी होती है जी, ये दो कमरे हैं जी, ये क्या है, बीच का एरिया खाली पड़ा है, यहाँ पर सीढ़ी है, ऐसी क्या है इन्होंने ऊपर बना दिया, इधर ऊपर क्या नाम, इस तरह किचन बना ली। तो इस तरह से कहीं ना कहीं तैयारी कर ली। अब आप क्या करोगे भाई, लाइब्रेरी भवन बनाते हैं कि यहाँ पर क्या रीडिंग रूम होगा जी, यहाँ पर क्या है, इस तरह की ये चीज़ होगी। तो कहीं ना कहीं इस तरह की तैयारी करोगे कि नहीं करोगे, बिंदुओं को बनाओगे नहीं बनाओगे, पाठक कहाँ बैठेगा, कर्मचारी कहाँ बैठेगा, सुविधाजनक सारी चीज़ें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो क्रियाशील भवन में कहीं ना कहीं सबसे पहले जो हमारी चीज़ आती है उसमें ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है। फिर आती है आकर्षक, यानी कि आपको अब ये बताओ मुझे कि पैसा लगा रहे हो तो भवन को क्या चकाचौंध भी बनाओगे, क्या करोगे, भवन को उसे लुभावना बनाओगे भाई। आपने लगा दी जी फ्लोर लाइट लगा दी, आपने क्या है और कौन कौन सी लाइट आती है, मान के चलिए LED लाइट लगा दी, फॉल सीलिंग में क्या लाइट लगा दी, घर में क्या है सारे जगह चकाचौंध दी, मार्बल लगा रखा जी। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आप क्या करोगे भाई, अपने स्थान को जहाँ पर आप क्या करें पुस्तकालय भवन बना रहे हो वहाँ पर भी तो आकर्षण होना चाहिए। तो क्या करते हैं आजकल, जैसे कि पुस्तकालय भवन में बाहर का एरिया क्या करते हैं, खाली छोड़ देते हैं, पार्क डाल देते हैं, उसमें कहीं ना कहीं बैठने की जगह रख देते हैं, और अंदर क्या, अगर ज़्यादा जगह होती है तो कहीं ना कहीं
वहाँ पर भवन इस तरह से बनाए थे फ्लोर वाइज। बहुत सारी जगह आपने देखा होगा कि नीचे के फ्लोर पे गया लड़के आए, ऊपर के फ्लोर पे गया लड़के बैठते हैं, इस तरह भी है, बहुत सारी जगह कंबाइंड भी है। तो आपने कहीं ना कहीं भवन का जो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर है वो पहले तैयार कर लिया, फिर क्या कर दिया, भवन को हमने सुंदर बना दिया, आकर्षण बना दिया। क्या करते हैं आजकल देखिए, जैसे कि आपको भवन में क्या मिलेगा, पुस्तकालय भवन में किसी की प्रतिमा देखती मिलेगी, जैसे क्या है आजकल अंबेडकर जी की प्रतिमा देखने को मिलती है आपको, और कहीं ना कहीं गांधी जी की देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं प्रतिमा देखने के लिए मिलती है। फिर आता है आपका कही जो क्या है, अब यहाँ पर आ जाती है आपके घर में जो लचीलापन है, यानी कि लचीला भवन। अब लचीला भवन से ये मत कह देना कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए उसमें, लचीले भवन से ये है कहीं ना कहीं आपके उसमें क्या होना चाहिए, परिवर्तनशील होना चाहिए। ये जो परिवर्तनशील का नियम है ये कहीं ना कहीं आपके व्यवसाय में काम आता है, ना कि घर में, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। परिवर्तनशील का जो कार्य होता है, परिवर्तनशील जो चीज़ें हैं वो आपके कार्य क्षेत्र में देखने के लिए मिलती है। जैसे कि आप मान लीजिए आप किसी ऑफिस में गए, ठीक है, आपने ऑफिस में जाके देखा जी, पहले एंट्रेंस घुसते ही पहले रिसेप्शन इस तरफ था, आप रिसेप्शन इस तरफ कर दिया, इधर क्या है, यानी कि मान लीजिए आप किसी बैंक में गए, वहाँ पर क्या है पहले रिसेप्शन इस तरफ था, यानी कि पहले क्या है पासबुक इस तरफ अपटूडेट होती थी, इधर क्या है सारी यानी कि खाली पड़ा था पानी वानी के कुछ इस तरह के, तो आप क्या कर दिया यहाँ पे एक दो विंडो और लगा दी। तो इस तरह की आपको क्या है कार्यशील जो भवन होते हैं वो यानी कि भवन क्या होते हैं, जिस तरह भी संस्थान के भवन होते हैं उसमें लचीलापन रखा जाता है, जिसमें कहीं ना कहीं हम अपने यानी कि आवश्यकता अनुसार बढ़ा सके उसे घटा सके। फिर आती है कहीं ना कहीं भवन की आंतरिक भाग, यानी कि उसके क्या है आंतरिक भागों का ध्यान रखना पड़ता है हमें, क्या है भवन के का आंतरिक भाग। अब आंतरिक भाग में क्या ध्यान रखना है, आंतरिक भाग में कहीं ना कहीं हमें से कहीं ना कहीं रूपरेखा का निर्धारण करना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थापित होने चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, यानी कि उसमें भी लचीलापन होना चाहिए, और कहीं ना कहीं वो फिर आपकी चीज़ें के मानक के अनुसार होना चाहिए। फिर होना चाहिए यानी कि हवादार होना चाहिए, वायु और प्रकाश का, यानी कि अगर मान लो लाइट नहीं आ रही तो आपके क्या है और उसमें कहीं ना कहीं प्रकाश नहीं आता आपके घर में, यानी कि आपको घर ऐसा होना चाहिए भाई इन्वर्टर नहीं है, लाइट नहीं आ रही, प्रकाश नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं प्रकाश भी आना चाहिए घर में आपके, और कहीं ना कहीं वायु का भी सोर्स होना चाहिए, जिससे क्या होता है प्रकाश की मात्रा से भाई प्रकाश होगा। आपने देखा होगा जिस घर में कहीं ना कहीं हवा नहीं आती वहाँ पर सीलन भी ज़्यादा लगती है, प्रकाश का क्या है सोर्स अंधेरा अंधेरा रहता है, तो कहीं ना कहीं प्रकाश और क्या है जैसे रोशनदार होने चाहिए, दरवाजे होने चाहिए। जैसे आपने लाइब्रेरी में सब में देखा होगा कि पहली बात तो जो ऊपर के जो यानी कि गेट बड़े बड़े होते हैं, और गेट बड़े होने के बाद ऊपर बड़ा बड़ा सा रोशनदान होता है, जिससे कहीं ना कहीं उसमें हवा भी आ सके, बुक ख़राब ना हो, और कहीं ना कहीं एक तरह से लाइट का सोर्स भी होता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। फिर आप आता है कि कहीं ना कहीं जो उसकी चीज़ें हैं यानी कि जो पाठक के लिए उपयुक्त है, पर्याप्त स्थान होना चाहिए, यानी कि उचित एवं पर्याप्त स्थल, यानी कि एक तरह से पर्याप्त स्थल होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके कहीं ना कहीं आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपके काम आती है। फिर आपका आ जाते हैं पुस्तकालय भवन में लिखिए पुस्तकालय 7 नंबर लाइब्रेरी भवन में कोलाहल नियंत्रण। इसमें क्या आता है फर्नीचर आ गया, आपके पाठ्य सामग्री आ गई, उचित प्रकाश हो गया, यानी ये पूरा ओवरऑल क्या है पाठकों के अध्ययन हेतु अनेक प्रकार की सुविधा अव्यवस्थित करी जाती है। इसमें क्या है बाहरी और आंतरिक दोनों को ध्यान रखा जाता है। बाहरी में क्या है पुस्तकालय के बाहर परिवेश के लिए वातावरण कैसा होना चाहिए, क्षेत्र क्या निर्धारित होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं शहर में होना चाहिए या गाँव में होना चाहिए, बाजारों के पास होना चाहिए, आबादी वाले क्षेत्र में होना चाहिए, ये सारी की सारी बाहरी में आ जाती है, यानी कि इनडोर आउटडोर इनडोर और आउटडोर में ये सारी चीज़ें हो रही है।
आंतरिक में क्या होना चाहिए भाई, आंतरिक क्या होना चाहिए, कर्मचारियों के आपसे संवाद होने चाहिए, टाइपिंग मशीन होनी चाहिए, फर्नीचर इधर उधर क्या बिखरे ना हो, शोरगुल ना हो, ये सब चीज़ें को ध्यान में रखते हुए क्या है बनाना चाहिए। फिर आता है भवन का, यानी कि भवन जो पुस्तकालय भवन के निर्माण में सारी चीज़ आपकी ए टू जेड अब डाल देनी है, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो अब आ जाती है पुस्तकालय भवन के कहीं ना कहीं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब इसमें कहीं ना कहीं विभाग और उप विभाग की बात आई, प्रमुख और क्या है प्रमुख उप विभाग और विभाग की बात आ गई। अब एक बार दोबारा समझिए, देखिए अब इसमें क्या है, इसकी जो सेवाएं हैं या फिर इसके क्या है क्या दर्शाती है, पुस्तकालय भवन जो भवन है यानी पुस्तकालय के प्रमुख भागों के भागों और उप भागों में क्या दर्शाया जाता है। देखिए एक बार लिख लीजिए, पुस्तकालय के प्रमुख विभाग एवं उप विभाग सारे पता है आपको। ठीक है भाई, रेफरेंस सेक्शन हो गया, यानी कि आदान सबसे पहले लिखिए, आदान प्रदान विभाग, आदान प्रदान पटल, संग्रह कक्ष, अध्ययन कक्ष, सूचना कक्ष, संदर्भ विभाग, शोध कक्ष, आपका हो गया पाठ्य सामग्री कक्ष, आपका ग्रंथालय कक्ष जो अन्य में है, उप ग्रंथालय कक्ष, सहायक ग्रंथालय कक्ष, प्रशासनिक कक्ष, कर्मचारी कक्ष, प्रतिलिपि कार कक्ष और शौचालय इत्यादि, ये सारे क्या हैं आपके कहीं ना कहीं विभाग और उप विभाग के तौर पर आपको पुस्तकालय में देखने के लिए क्या है मिलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए, पुस्तकालय में देखने के लिए मिलते हैं तो पुस्तकालय के लिए इम्पॉर्टेंट बनते हैं। तो ये जो टॉपिक है इसे आपको ध्यान से पढ़ लेना है, ये अगर आप क्या है बिलीव करके अपनी लाइब्रेरी खोल रहे हो तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। और ये क्वेश्चन आता है कई बार आपसे पूछ रहे थे पुस्तकालय भवन में क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है और क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये आपका कहीं ना कहीं बात आ जाती है, तो इस चीज़ के लिए आपको पता होना चाहिए, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आप हमें क्या देखना है, पुस्तकालय भवन के मानक यानी सिद्धांत और मानक पढ़ने हैं, और उस सिद्धांत और मानक के साथ साथ आपके ये चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आज के क्या है हम इस चैप्टर को कहीं ना कहीं एक पूरा का पूरा क्वेश्चन भी आपका समझ लीजिए करा दिया, एक पूरा का पूरा आपको कहीं ना कहीं टॉपिक पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और हम देखेंगे आप कल देखेंगे क्या सिद्धांत और मानक। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो भेजा शेयर करें। थैंक यू।